नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ अलग ढोलक के ताल। जी हाँ, मैं आज तक ये ताल मैंने कभी नहीं सिखाया आप लोगों को, तो आज मैं जो आप लोगों के लिए ताल लेके आई हूँ वो है ठेका। ढोलक पर ठेका कैसे बजाएं? जेंट्स लोग तो बहुत बजाते हैं लेकिन महिलाएं बहुत कम बजाती हैं, तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि आप लोग ठेका कैसे बजाएं ढोलक पर। तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ। और हाँ, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट भी आप जरूर किया करिए जिससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोग के मेरे ढोलक के वीडियो कैसे लगते हैं। तो आप कमेंट भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ, ये है आप लोग का बेस साइड और ये है आप लोग का चाटी। आप लोग को तो पता ही होगा चाटी और बेस, मैं हर एक वीडियो में आप लोग को बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे न्यू जुड़ते हैं तो उनको नहीं पता होता। तो ये है हमारा चाटी भाग और ये है हमारा बेस। तो जिसके जिसके पास ढोलक है वो जरूर लेके आए और मेरे साथ प्रैक्टिस करे जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ। इससे क्या होता है आप लोग को बहुत जल्द आएगा, क्योंकि साथ में अगर लेके चलो ना कोई चीज, जैसे अगर कोई बताता है उससे तुरंत आप वहीं पे प्रैक्टिस करो तो आपको वो चीज जल्दी आती है। तो जिसके जिसके पास ढोलक है वो लेके आए मेरे साथ प्रैक्टिस करे। तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ। आपको यहाँ पे मारना है और कोर जो आपका बीच में गिरेगा, जो आपका बंद बेस है। खुला बेस आपको 3 बार मारना है, बंद बेस आपको ओनली 1 बार मारना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठेका जो है आपका, मैं बता दूं आपको, बहुत तेजी से बजता है, ठीक है? तो आपका ये जो ताल है बहुत तेज और फास्ट बजने वाला है गाइस, तो आप इसे जरूर फॉलो करो क्योंकि ये जो है ना हर एक सॉन्ग पे बजने वाला है। तो आज ये जो है आप इसे जरूर सीखें और जरूर बजाने की कोशिश करें, आपको तो जरूर आएगा। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको ताल नहीं आएगा या मुझे ढोलक बजाने नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जरूर प्रैक्टिस करें, आपको जरूर आएगा। हर एक का कमेंट यही रहता है कि मैम आपकी तरह नहीं बजते हैं या मुझे नहीं आता ढोलक बजाने, तो ऐसा नहीं है। सबको भगवान ने दो हैंड दिया है तो वो आप भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास भी वो चीज है, ठीक? बिल्कुल मत सोचिए कि आपको नहीं आएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ अब। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको ये काउंटिंग करना 1 2 3। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप रिदम याद करिए। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप अगर रिदम, ये रिदम आप अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता ढोलक बजाने से। तो आप ये रिदम जरूर, आप ये चीज सीखिए पहले कि आपको रिदम कैसे आपको दिमाग में लेके आना है फिर उसको बजाना है, ठीक है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये रिदम आप जरूर बैठाइए अपने मन में। उसके बाद 4 के बाद आता है 5 5 पे आपको जैसे वो कंप्लीट होता, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पे जैसे ये 4 पे कंप्लीट होता 5 पे आपका तुरंत चाटी के साइड आपको गिराना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपको ये भी रिदम याद करना है, आपको पहले प्रैक्टिस करना है बेस के साइड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आप ये लर्न कर लिए। उसके बाद आपको दूसरा जो लर्न करना है रिदम वो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये भी रिदम आपको याद करना। उस रिदम के बाद आपको ये रिदम याद करना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आपको याद करना है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपका जो है बेस जहां से आप स्टार्टिंग करते हो ढोलक का, वो भी आप इससे कर सकते हो। जिसको भी बिल्कुल बजाने नहीं आता है वो सोच रहा है कि मैं कैसे बजाऊं, तो इस काउंटिंग को और इस रिदम को आप जरूर याद करें तो आपको जरूर आएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, ये बजा। और आइए मैं आपको यहां बताती हूँ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है आपको, यहीं पे आप सीख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 खुला आपको 3 बार मारना है और बंद आपको 3 बार मारना है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बस आपका ये हो गया। और 5 पे आपको मल्ली ग्रुप फिंगर आपको चलाना है 5 पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
बजाने नहीं आता है तो आप इस ठेको को जो ठेका मैं बता रही हूँ आप इसको लर्न करें और बहुत ही अच्छा गाएं। देखो ना आप खुद देखो कि आपका जब ये बजने लगता है, जब आप इसको पूरी तरीके से आपको बजाने आ जाता है और ताल में आप आ जाते हैं तो आपका जो ये लय आपका निकल के कैसे आता है, यही है 1 2 3 4 5 करें और मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।